हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट इक्वल इंस्ट्रक्शन इन आरएस लॉजिक 500 इंग्लिश। सो इक्वल इंस्ट्रक्शन EQU इंस्ट्रक्शन इन आरएस लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। सो इंजीनियर्स, आई होप यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव मेड सम कंटेंट ऑन इक्वल ब्लॉग। सो प्लीज वॉच दिस कंटेंट। आफ्टर दैट हाउ टू इट्स वर्क इक्वल ब्लॉग इन आर एस लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। सो इंजीनियर्स, लेट्स सी। एक्चुअली यू हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन MEQ। So you have to go and watch my previous video and you have to not subscribe my channel. So you have to subscribe my channel for motivates me. So engineers, let's and today I have discussed about equal test means equal instruction in RS Logic 500 English software. So actually what is the full form of EQ? EQ full form is known as equal. EQU also known as the equal means EQU को हम लोग equal बोलते हैं। Instruction is used to compare two values. Equal block is basically used to compare two values like as one value and two value like as 5 and 4 to compare it. The EQU instruction is an input instruction which will return true if the two value with source A and source B fields are equal to each other means source A and source B value are both equal, then our output will be energized. Means it will be true. If source A and source B value are not same, then our output will be showing as a false. Means source A और source B की value है जो दोनों आपस में रहेगा equal रहेगा तो आपका true रहेगा और नहीं तो फिर आपका false रहेगा. If that condition is met, the instruction will allow what's on the right of the it to execute. Means ऐसा condition आता है तो आपका मतलब जो true or false का क्या execute करना है वो आपको बताएगा. तो equal block actually हम लोग दो value को compare करने के लिए यानी compare करने के लिए use करते हैं, ठीक, वो भी PLC के अंदर. EQU equal source A and source B. actually यहाँ पे मैंने इंटीजर का वैल्यू लिया हूँ N70N71. सो ये इक्वल ब्लॉक है जैसा कि RS Logic 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में दिखता है. यूज द EQU इंस्ट्रक्शन टू टेस्ट वेदर टू वैल्यूज आर इक्वल. मीन्स EQU इंस्ट्रक्शन टू कंपेयर टू वैल्यू एंड टेस्ट टू वैल्यू बोथ आर इक्वल और नॉट इक्वल. इफ सोर्स एंड सोर्स बी आर इक्वल, सोर्स ए एंड सोर्स बी आर इक्वल, द इंस्ट्रक्शन इज लॉजिकली ट्रू. मीन्स सोर्स ए और सोर्स बी का वैल्यू दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा. इफ दिस वैल्यूज आर नॉट इक्वल, द इंस्ट्रक्शन इज लॉजिकली फॉल्स. आपका सोर्स ए और सोर्स बी का वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा तो आपका लॉजिकली वो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा. सो इंजीनियर्स, लेट्स कम टू आरएस लॉजिक 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर. So I have to copy. Now I have to go to offline. Change to PLC. No. Then I have to delete it. Then also delete it. Then also delete this. And now I have to go to beat. Here I have to select NO and one extra mode. And then I have to also select output. And before compare, go to double click on it, then it will be okay. And यहाँ पे हम लोग input का डालेंगे addressing. So you have to put input instruction. I separator 0, then green, then you have to leave it. And N7 integer. And one value. So go to properties and click 5 elements, apply, okay.
एलिमेंट्स, फोर पट्टीज इंटीजर्स, फाइव लॉट्स एन सेवन फोर, ओ वाई इट विल बी नॉट अपीयर। ओके 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 नो इशू। एन सेवन एन सेवन एन सेवन से ग्रेटर वन। ओके देन आई एम नाउ आई हैव टू पुट आउटपुट वैल्यू। और आउटपुट का वैल्यू और एड्रेसिंग हम लोग देंगे, तो आउटपुट का मैंने एड्रेसिंग दे दिया। जस्ट यहाँ पे हम लोग अब क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे वेरीफाई फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका फाइल वेरीफाई हो जाएगा। तो देन यू हैव टू डाउनलोड। ओके यू वांट टू रिमोट रन प्रोग्राम देन नाउ हियर ओपन एन सेवन इंटीजर। सो हियर व्हेन आई हैव टू प्रेस, एक्चुअली व्हेन आई हैव टू प्रेस टॉगल बिट, जब मैं टॉगल बिट करूंगा तो आउटपुट आपका इनर्जाइज हो गया। ठीक, आउटपुट क्या हुआ, इनर्जाइज हो गई जैसा कि आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये जीरो है, जीरो बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, बोथ क्या है, इक्वल है। और एक्चुअली मैं इसका वैल्यू फाइव क्लिक कर देता हूँ, देन आउटपुट विल डी इनर्जाइज। व्हेन आई हैव टू पुट फाइव वैल्यू देन आउटपुट विल बी इनर्जाइज। देन आई हैव टू पुट वन वैल्यू देन आउटपुट विल बी डी इनर्जाइज। व्हेन आई हैव टू पुट टू देन आउटपुट विल डी इनर्जाइज। देन आई हैव टू पुट वन देन आउटपुट विल बी इनर्जाइज। सो इंजीनियर्स आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इक्वल इंस्ट्रक्शन ब्लॉक इन पीएलसी विद। एंड एक्चुअली आई हैव टू ओपन गो टू ऑफलाइन एंड नो देन आई हैव टू प्रेस एफ वन। तो एफ वन हियर यू हैव टू इक्वल बाइनरी सोर्स बी इंटीजर। डिस्क्रिप्शन द इनपुट इंस्ट्रक्शन इज ट्रू व्हेन सोर्स एंड सोर्स बी आर इक्वल, दोनों इक्वल होगा तो होगा। द इक्वल इंस्ट्रक्शन कंपेयर टू यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू, इफ द वैल्यूज आर इक्वल इट अलाउ रन कंटिन्यूटी, द रन गोज टू ट्रू एंड द आउटपुट इनर्जाइज। Provided no other forces affect the run status, entering parameter you must enter a word address for source A. Source A में आप word address डाल सकते हैं। You can enter a program constant value or word address for source B. Negative integers are stored in the two complementary, negative integers होगा वो two complementary form में store होता है। If you are using this type of कंट्रोलर वी कैन यूज इंडेक्स इंडेक्स इन एड्रेस व्हेन यू सोर्स बी एंड सोर्स बी पैरामीटर। इफ आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर देन यू हैव टू यूज इनडायरेक्ट इन एड्रेस। सो इंजीनियर्स आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली वन टाइम यू हैव टू ऑल्सो सी गो ऑनलाइन। नाउ आई हैव टू पुट फाइव वैल्यू देन आउटपुट इनर्जाइज डी इनर्जाइज देन आउटपुट विल बी इनर्जाइज। एंड यू हैव टू ऑल्सो चेंज वैल्यू फ्रॉम हियर एंड आई हैव टू पुट फाइव हियर आई हैव टू पुट फाइव देन आउटपुट विल इनर्जाइज। सो इंजीनियर्स आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू हैव टू गो ऑफलाइन एंड इन दिस वीडियो यू हैव also watch what is the function of equal block in RS Logic 500 English and next video on not equal to instruction. So engineers I hope you understand. Let's bye. So you have to not subscribe my channel, please subscribe my channel. Thanks engineers. Radhe Radhe.